धरती मां की करुण पुकार, मेरे प्यारे बच्चों, भारत के किसान, तुम सभी मेरे दिल के करीब हो। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है क्योंकि तुम भी मुझे बहुत प्रेम करते हो। जब भी तुमने मुझे माँ कहकर बुलाया, मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है, बहुत ठंडक मिलती है। मैं आनंद से भर जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब कभी तुम दुखी होते हो, दर्द से कराहते हो, लाचारी में, गरीबी में बेसहारा दिखाई देते हो, जब कभी भी जिंदगी की लड़ाई से हार मानकर तुम आत्महत्या करते हो, तो मैंने हमेशा हमेशा तुम्हें मना किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम तो मेरी आवाज सुन ही नहीं पाते हो। अपने दिल की व्यथा को, अपने दिल के दर्द को मैं तुमसे भी बताना चाहती हूँ। तुम मुझे रासायनिक खाद देते हो जिससे मैं बीमार होती हूँ। तुम ये तो सोचो कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमने मुझे माँ कह के बुलाया है, तो माँ अपने बच्चों को भोजन देगी ना, तो ऐसा भोजन तुम मुझे क्यों खिलाते हो? तुम एक बात तो सोचो कि तुमने मुझे जो आहार दिया, तुमने मुझे जो भोजन दिया, तुमने मुझे जो खाद दी है, उस खाद को खाने के बाद मेरा दूध भी जहरीला हो जाता है। उसमें भी अनेकों तरह के रासायनिक तत्व आ जाते हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे इस धरती के लिए हानिकारक हैं। मैं तिल तिल करके मरती हूं, मैं तड़प तड़प के मरती हूं, मेरा शरीर अंदर से सूखते चला जाता है। तुमने देखा तो होगा, धरती को फटते हुए भी तुमने देखा होगा, तुम्हारी मिट्टी फटने लगती है। उस वक्त मैं सीना चीर के तुम्हें दिखाती हूं कि देखो मेरे अंदर कितना दर्द है, मैं तड़प रही हूं, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो। जानलेवा कीटनाशक का इस्तेमाल जो तुम मुझ पे करते हो, उससे मैं बीमार होती हूं, और जब मैं बीमार होती हूं तो मेरी फसलें भी बीमार होती हैं। जो साग सब्जी, फल फूल, अनाज जो मैं तुम्हें देती हूं, वो भी मैं बीमार ही देती हूं, क्योंकि जो तुम मुझे खिलाओगे वही तो मैं तुम्हें वापस करूंगी। यही कारण है भारत के प्यारे किसान कि तुम बीमार रहते हो। पैसे भी तुम कमाते हो, लेकिन सारा का सारा पैसा चला जाता है तुम्हारी बीमारियों पे, इलाज पे। मुझे तुम पे दया आती है जब तुम चिलचिलाती धूप में काम करते हो, कड़ाके की ठंड में कांपते हुए तुम काम करते हो, जब तुम बरसात में भींगते हुए फसल लगाते हो, उसके बाद भी, इतनी कठिन मेहनत करने के बाद भी, जब तुम कंगाली, लाचारी और अभाव में रहते हो, कर्ज में डूबे रहते हो, जब तुम आत्महत्या करते हो, तो मैं रोती हूँ, तड़पती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम आत्महत्या करो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम गरीबी में रहो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी तरह का अभाव हो, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तुम भारत के किसान हो, तुम रीढ़ की हड्डी हो, तुम सिर्फ किसान नहीं हो, तुम भारत की माँ हो, क्योंकि भारतीयों के अन्नदाता तुम ही हो। मेरे अनगिनत हाथ हैं, मैं अपने ही हाथों से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मदद करती भी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जो बाहें मेरी उठती हैं तुम्हारी मदद के लिए, उन बाहों को ही तुमने काट डाला है। धरती के केचुए ही मेरी बाहें हैं, उन्हीं हाथों से मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो तुम केमिकल फर्टिलाइजर और रासायनिक खाद डाल रहे हो, उस रासायनिक खाद से मेरे हाथ कट रहे हैं, केचुए मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और जब मेरे हाथों को ही तुम काट डालोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? तुम्हारी माँ तड़प रही है, वो दर्द से कराह रही है, वो बीमार हो रही है। खुराक के रूप में तुम मुझे ऐसी खाद दो जो स्वास्थ्य वर्धक हो, जैसे गोबर का खाद, प्राकृतिक खाद, बर्मी कंपोस्ट, जो पूर्णतः प्राकृतिक है, जो मेरे ही बच्चों ने, केंचुओं ने बनाया है, उस बर्मी कंपोस्ट को मुझे दो। धीरे धीरे उसका सेवन करके मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, और जब मैं स्वस्थ होऊंगी तो मेरी फसलें भी स्वस्थ होंगी, और जब मेरी फसलें स्वस्थ होंगी तो तुम्हें भी, तो जो अनाज मैं दूंगी वो भी तो स्वस्थ होगा, तुम्हारा भोजन भी स्वस्थ होगा, और जब तुम्हारा भोजन स्वस्थ होगा तो तुम बीमार कैसे हो जाओगे? मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बीमार हों, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आत्महत्या करें, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कर्ज में डूबे, लेकिन मेरी सुनो तो, जिंदगी की तेज रफ्तार में तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाना चाहते हो, जिसके कारण से तुम जानलेवा हानिकारक खाद और खतरनाक कीटनाशक तुम मुझ पर इस्तेमाल करते हो, उससे मैं बीमार होती हूँ। जरा ये तो सोचो, जिसे तुम खा नहीं सकते हो वो मुझे क्यों खिलाते हो? क्या तुम पेट्रोल खाओगे, डीजल पियोगे,
नहीं ना, तो ये केमिकल खाद, ये यूरिया, ये डीएपी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं, जब तुम पेट्रोल पी नहीं सकते हो तो मुझे क्यों पिलाते हो? और जब तुम मुझे पेट्रोल पिलाओगे तो मैं स्वस्थ कैसे रहूंगी? मैं तो बीमार होऊंगी, और मैं बीमार होऊंगी तो मेरी फसलें भी तो बीमार होंगी, मेरे केचुए, मेरी असंख्य बाहें मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। यही तो कारण है कि तुम्हारे खेतों से केचुए मर रहे हैं। जब तुम्हारे खेतों में केचुए नहीं रहेंगे तो मैं कैसे मदद करूंगी तुम्हारी? अपनी जान बचानी है तो मेरी जान बचाओ, पैसे कमाओ, मैं मना नहीं करती हूं कि तुम पैसे मत कमाओ, तुम भी अमीर बनो। मैं चाहती हूं तुम्हें देखना कि मेरे बच्चे अमीर हैं, संपन्न हैं, सुखी हैं, स्वास्थ्य से भरपूर हैं। लेकिन तुमने सुना है ना कि एक इंसान जिसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाल रखी थी, पैसे कमाने के होड़ में उसने मुर्गी को ही मार डाला ताकि सारे सोने के अंडे एक ही साथ मिल जाए। लेकिन मुर्गी के मरते ही धीरे धीरे वो भी मरने लगा, वो भी कंगाल हो गया और खत्म हो गया। आपस की बातचीत में तुम कहते हो कि वो इंसान बड़ा ही बेवकूफ था जिसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही मार डाला। मेरे भारत के किसान, यही बेवकूफी तुम भी तो कर रहे हो। मैं भी तो सोने जैसी फसलें तुम्हें देती हूं, देना चाहती हूं। एक बच्चा जिसकी परवरिश माँ कर रही है, जिसको दूध माँ पिला रही है, जिसको अन्न जल भोजन माँ दे रही है, अगर वो बच्चा माँ को ही मार डालेगा तो बच्चा भी कैसे बचेगा? यही कारण है कि भारत के किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं मर रही हूं, जब मैं ही नहीं जीवित रहूंगी, मैं ही नहीं बचूंगी तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुमने कभी सोचा है इन रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मेरे धरती के अंदर जो जल है जिसे तुम पीते हो वो भी जहरीला हो रहा है, जिन हवाओं में तुम सांस लेते हो वो हवाएं दूषित हो रही हैं, जिन फसलों को तुम खाते हो वो फसलें बीमार हो रही हैं। बहुत हो गया मारने और मरने का खेल, न तुम मुझे मारो और न ही तुम मरो। ये तुम्हारी माँ, धरती माँ के दिल की पुकार है, इसे सुनो। मैं तड़प रही हूँ, मैं तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ, मेरे जीवन को बख्श दो, मैं भी जीना चाहती हूँ। तुम भी जीवित रहो, मुझे भी जीने दो, मुझे भी जीने दो, मुझे भी जीने दो।